और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। आपके गांव में नाली क्यों नहीं बनी, इसका क्या कारण है? नाली तो साफ, ये तो नाली की इतनी आवश्यकता जरूरी भी नहीं है हमें। नाली का विकास नहीं है, नाली मतलब पूरे गांव में गंदगी फैली है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग बहुत परेशान हैं, नाली निकलते समय भी निकल नहीं पाते हैं, पूरे गांव में से पानी मच रहा है और कीटाणु फैल रहा है, मच्छर बढ़ रहा है, बड़ी परेशानी, ना लाइट है ना रोड है, पानी का कहीं साधन ही नहीं है निकलने का, कि साधन हो तो पानी निकल जाए तो खंगर के नाली जाए, अब साधन नहीं है तो पानी नहीं निकले तो यहीं बदबू मार रही, यहीं मच्छर हो रहे, यहाँ सब कुछ हो रहा है। मेरे गाँव में जो कि नाली का निर्माण नहीं किया गया हमारे प्रधान जी के कल कमलों द्वारा, और इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जैसे कि हमारा जो सफाई कर्मी है वो भी नहीं यहाँ आते हैं। आप लोगों ने कभी मांग की है नाली की? जी हाँ, मांग की है तो वो कह देता हाँ चाची बन जाएगी, और बस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है ना कोई, अब हम तो आगे बढ़ जा ही नहीं पाते। सर कई बार कर चुके हैं हम लोग, मांग कर चुके हैं, लेकिन वो कह देते हैं अब अभी नहीं अब बनवा देंगे। सर अब तो 2 साल हो गई करीब, अब कहाँ बनवाएंगे। साइटों में निकाली थी तो लोगों ने कहा कि नहीं हमारे मकान गिर जाएंगे, ईंट गल जाएगी, जी हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने सोचा गाँव में तो कोई अभी सकता नाली की इतनी जरूरत नहीं है, और अगर भी निकालेंगे जैसे इसका आषाढ़ में पानी गिरता है, मार्च अप्रैल में बारिश का पानी जाता है तो जी जाता है पीछे खेतों में, उधर से नाली बनाना चाहते हैं हम, वो हमने कार्य योजना में डाल रखी है, उसको बनाएंगे। गांव पुंटा खेड़ा में नाली का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, और मैं विभाग में 3 बारी चक्कर काट चुकी हूँ, और जानकारी देने से सब मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।